आर्यन के घर लौटने का जश्न मनाने के लिए भी बड़ी संख्या में प्रशंसक मन्नत से बाहर मौजूद थे। मन्नत के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सड़क पर भारी भीड़ थी और आर्यन की कार आगे बढ़ सके इसलिए पुलिस तथा शाहरुख के निजी सुरक्षा कर्मियों को क्षेत्र खाली करवाना पड़ा। गाड़ियों का काफिला बंगले के भीतर पहुंच गया। उसके बाद भी प्रशंसक बाहर इस आस में डटे रहे कि शायद शाहरुख उनकी ओर देखकर हाथ हिलाए। एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ को काबू में करने के लिए मुंबई पुलिस ने एहतियाती तौर पर जेल से बाहर पुलिस तैनाती बढ़ा दी थी। स्थानीय पुलिस के अलावा SRPF दल भी वहां मौजूद था और आर्थर रोड कारागार के बाहर अवरोधक लगा दिए गए थे। बेल लेटर बॉक्स शनिवार सुबह 5:30 बजे खोला गया था, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने आर्यन की रिहाई का आदेश प्राप्त किया था। जेल अधीक्षक नितिन वाईचाल ने बताया था कि आर्यन को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच रिहा किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि आर्यन के अलावा कुछ अन्य कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा था, रिहाई के जितने आदेश होंगे औपचारिकताएं पूरी करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। आर्यन के साथ ही गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट के पिता ने कारागार से बाहर मीडिया कर्मियों से बात की और बताया कि उनके बेटे को शाम में रिहा किया जाएगा। एक दिन पहले ही विशेष अदालत ने आर्यन की रिहाई का मेमो जारी किया था। बम्बई उच्च न्यायालय ने आर्यन को बृहस्पतिवार को जमानत दी थी। स्वापक के वमन प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से जुड़े NDPS कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला 23 वर्षीय आर्यन के लिए जमानतदार के तौर पर पहुंची थी। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया, जिसमें आर्यन खान और मामले के सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई गई हैं। तीनों को 1,00,000 रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि की 2 जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया है। दिवाली के लिए उच्च न्यायालय में 2 सप्ताह का अवकाश शुरू होने से 3 दिन पहले तीनों को राहत मिली है। उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष NDPS अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिए बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को NCB कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा। न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह सुनाएंगे।